लोग अक्सर पूछते हैं कि सेक्स हार्मोन को कैसे बढ़ाएं। सेक्स हार्मोन्स बढ़ाते हैं तो मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा, मेरे में सेक्स हार्मोन कम है, ऐसी कंप्लेंट लेकर लोग आते हैं। तो चलो आइए आज बात करेंगे पांच आदतों की जिससे आपका सेक्स हार्मोन मतलब टेस्टोस्टेरोन बढ़ सकता है। वैसे टेस्टोस्टेरोन जो है ये मेल सेक्स हार्मोन है और इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन ये नॉर्मली 10, 11, 12 साल के बाद में अच्छे पैमाने में सिक्रेट होना चालू हो जाता है। ये मेल्स में रहता है, ये फीमेल में रहता है, मगर मेल्स में इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, फीमेल में बहुत कम रहती है। मेल्स में यदि आप टेस्ट करेंगे ब्लड टेस्ट तो 300 से 1000 300 to 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर ये लेवल मिलेंगे नॉर्मली, अर्थात 10 से 35 नैनोमोल पर लीटर मिलेगा नॉर्मली ये रेंज में मेल्स में, पुरुष में। और फीमेल में 15 से 70 नैनोग्राम पर डेसीलीटर मिलेगा, मतलब फीमेल में बहुत कम रहता है। अब मेल में रहता है तो ये एक्चुअली मेल सेक्स हार्मोन जो है वो सेक्स के लिए मतलब सेक्सुअल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। वैसे बोन डेंसिटी मतलब हड्डियाँ जो है वो मजबूत करने के लिए, मसल मास जो है अपने स्नायु वो मजबूत करने के लिए बहुत ही कारगर होता है, बहुत जरूरी है, बहुत पावरफुल है। इसके साथ साथ पौरुषत्व के लिए मतलब एक पुरुष की आवाज़ मोटी होती है, मूछ आना, दाढ़ी आना, कांख और जांग में बाल होना, इसके लिए भी ये मेल सेक्स हार्मोन कारणीभूत है। इसकी वजह से ये दिखता है कि ये मेल है, उसकी आवाज़ मोटी हो जाती है। तो 12 साल से लेके कम से कम 21 साल तक ये सब ग्रोथ होना शुरू हो जाता है और बढ़ते रहता है। आखिर हम देखते हैं ना कि भाई उसकी आवाज़ अभी मोटी हो गई, लड़के का पुरुष बन गया, क्योंकि अभी मेल सेक्स हार्मोन अच्छी मात्रा में तैयार होना चालू हो गया। ये तैयार कहाँ होता है? ये टेस्टिकल में तैयार होता है, मतलब अंडाशय जो है उसमें दो अंडाशय जो है लपकते हुए गोले जो है इसमें यह मेल सेक्स हार्मोन जो है वो मैन्युफैक्चर होता है, वो तैयार होता है। ये यदि नहीं रहा, मेल सेक्स हार्मोन कम रहा या नहीं रहा, तो आवाज़ पतली रहेंगी, स्त्री जैसी आवाज़ रहेंगी, उसके दाढ़ी मूछ कम रहेंगी या नहीं रहेंगी, उसको फैट जो है वो ज़्यादा दिखेगा, फैट, फिर मसल मास स्नायु जो है वो कम दिखेंगे, ज़्यादा मसल मास नहीं रहेंगे, शोल्डर जो है वो छोटे रहेंगे, आवाज़ पतली है, तो ऐसे जो गुण है वो दिखेंगे कि भाई ये पुरुष में नहीं है, इसमें कुछ तो भी गड़बड़ी। उसकी सेक्सुअल इच्छा कम रहेगी, यदि कम है तो सेक्स में उसकी कम रुचि रहेंगी, उसके पेनिस की साइज कम रहती है, तो ये सब आपको दिखेंगे मेल सेक्स हार्मोन्स के कम रहने से। तो इसलिए मेल सेक्स हार्मोन ज़्यादा रहना अच्छा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है वैसे वैसा वो बढ़ता है, टिल 18 से 21 साल तक वो बढ़ते रहता है, मगर जैसे और उम्र बढ़ते जाएंगी तो 45-50 साल के बाद में उसका सिक्रीशन कम हो जाता है। इसलिए फिर हम देखते हैं कि भाई इच्छा कम हो गई, सेक्स पावर कम हो गई, स्टेमिना कम हो गया, इच्छा नहीं है, अभी मजा नहीं आ रहा है, तो वो बिकॉज अभी टेस्टोस्टेरोन जो है वो अभी उसकी मात्रा कम होना शुरू हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल यदि नॉर्मल है तो हेल्दी हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल होना हेल्दी हार्ट के लिए कारणीभूत है कि भाई अच्छा आपका मतलब हार्ट जो है ना दिल वो बहुत अच्छा रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। वैसे टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल है या थोड़ी ज़्यादा है तो डायबिटीज़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इतने सारे फायदे टेस्टोस्टेरोन के लिए और बहुत ही फ़ायदेमंद टेस्टोस्टेरोन है और वो होना जरूरी है, अदरवाइज़ वो आदमी नहीं है, मतलब वो आदमी में रहेंगे ही नहीं, वो पुरुष नहीं रहेगा। है ना, हम देखते हैं कि भाई उसका स्पर्म काउंट नहीं हो रहा है, उसके शुक्राणु तैयार नहीं हो रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ही कम है। अच्छा ठीक है, फिर ये कम रहा तभी प्रॉब्लम है, मतलब एकदम जीरो रहा तो प्रॉब्लम है, कम रहा तो प्रॉब्लम है, तो इसको बूस्ट करना जरूरी है। तो भी मैं आपको ऐसी पांच आदतें बताऊंगा कि जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल सेक्स हार्मोन जो लेवल है वो नॉर्मल या वो नॉर्मल रहेगा।
तो मैं ऐसे आपको अभी पांच आदतें बताऊंगा, वो यदि आप अपनाते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल या बहुत नॉर्मल रहेगा। इसमें आता है सबसे पहले बैलेंस डाइट, फूड खाना, जिसमें बैलेंस डाइट में आप फ्रूट्स फल खाते हो, सलाद खाते हो, और उसके साथ साथ विटामिन डी, जिंक और ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये तीन चीज़ें बहुत ही जरूरी है टेस्टोस्टेरोन मेंटेन रखने के लिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको फिश में बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। यदि आप वेजिटेरियन हैं तो आपको काजू है, बादाम है, पिस्ता है, फिर पम्पकिन सीड्स है, इसमें भी काफ़ी अच्छे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको मिल सकते हैं। विटामिन डी आप खाते हैं तो उसमें फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा ऑरेंज में, संतरा, फिर सोया प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, चीज़, बटर, पनीर, इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन डी रहता है। फिर आता है जिंक, और जिंक जो है वो है पम्पकिन सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, लेंटिल्स, मशरूम, इसमें जिंक बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है और वो आपने खाना खाना जरूरी है। नंबर दो पे मैं लाऊंगा व्यायाम, एक्सरसाइज। इसमें वेट लिफ्टिंग जो है वो टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस, शोल्डर बिल्डिंग एक्सरसाइजेस। फिर उसमें नंबर दो है योगा, योगा में अलग अलग आसन, मगर भुजंगासन, कोबरा आसन, ये जो है ये बहुत कारगर है, और यदि आप करते उसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत बढ़ जाती है। नंबर तीन है आयुर्वेदिक सप्लीमेंट। आयुर्वेदिक सप्लीमेंट में शिलाजीत और गोक्षरा, ये इसकी पाउडर मिलती है, ये आपने खाना चाहिए, और वैसे ही ये कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स है, जैसे एक्सट्रीम अप कैप्सूल आयुर्वेदिक है, और इसमें मकरध्वज, अश्वगंधा, सफ़ेद मुसली, काली मुसली, कुछ बीज, शतावरी, गोकरू, केसर, बहुत सारे आइटम्स इसमें हैं। तो ये आप लेते हैं दो कैप्सूल्स सुबह शाम, यदि आप लेते हैं तो इसमें बहुत अच्छा फ़ायदा टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने में होता है। नंबर चार जो है वो है नींद और स्ट्रेस। नींद जो है वो 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ही ज़रूरी है, और कम से कम तान तनाव लेना। स्ट्रेस जो है वो स्टीरॉयड की मात्रा अपने बदन में बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, नींद कम है तो स्टीरॉयड की मात्रा बढ़ जाती है, और स्टीरॉयड बढ़ गया मतलब कॉर्टिसोल लेवल बढ़ गया तो टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाती है। तो नींद और स्ट्रेस मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है, और यदि आप मैनेज करते तो डेफिनेटली आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने में फ़ायदा होगा। नंबर पाँच आपकी हैबिट्स। शराब बहुत लोग पीते रहते हैं, हम बोलते रोज़ पीते नहीं हैं, मगर ऐसा बोलते बोलते एक दिनार तो ले लेते हैं। स्मोकिंग ये जो है ये बहुत ही कम मात्रा में करना चाहिए, बंद करना चाहिए, टोबैको जो है वो इंजूरियस है। तो स्मोकिंग मतलब टोबैको चू करना, चुभाना, स्मोक करना, सिगरेट पीना या शराब बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, तो ये आपने बंद करना चाहिए। यदि आप ये पांच आदतें यदि आप ठीक कर लेते हैं, बराबर से मतलब इसके ऊपर काम करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छी रहेंगी, आपका सेक्सुअल हेल्थ अच्छा रहेगा, आपका स्टेमिना बरकरार रहेगा, और एक आप अच्छा परफॉर्मर बेड के ऊपर रहेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। मैं आपको एक फिर से एक लिस्ट दे रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। नंबर एक है फूड आइटम्स, जिसमें जिंक, विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड। नंबर दो एक्सरसाइज। नंबर तीन आयुर्वेदिक सप्लीमेंट। नंबर चार नींद और स्ट्रेस का कम करना। और नंबर पाँच खराब बुरी आदतें टालना, जैसे कि शराब और टोबैको। आपको भी अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।